स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको इकाई यानी यूनिट्स यानी नाउन का एक छोटा सा भाग होता है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार इसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इस यूनिट डिजिट में हम लोग बताएंगे यहाँ पे इकाई, जैसे कि आपके एग्जाम में जैसे दे देता है आपको। यहाँ पे हम एकदम ट्रिकली और कंसेप्ट वाइज बताएंगे आपको। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको जो है इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो 100% क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे हम यहाँ पे लिए हैं, जैसे ए सी अमाउंट हो गया, ठीक है, ए सी अमाउंट हो गया, डब्ल्यू से वेट हो गया, डी से डिस्टेंस हो गया, एच से हाइट हो गया, एस से स्पीड हो गया, पी से पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। जब ये चीज़ वर्ड आपको देता है क्वेश्चन में, जैसे हमारा देता है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ या 2 किलोमीटर, इतना स्पीड, उतना स्पीड या पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, ठीक है, या हाइट 5 मतलब हाइट दे दिया, वेट दे दिया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अगर देता है तो उसमें अगर यूनिट सेंस की बात हो, अगर उसमें अगर हाइट वेट डिस्टेंस में अगर यूनिट सेंस की बात होगी, जब उसमें यूनिट सेंस की बात होगी तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जब यूनिट सेंस की बात किया जाएगा तो उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यही चीज़ जो है अमाउंट हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, स्पीड हो गया, पीरियड टाइम हो गया, अगर ये आपको यूनिट सेंस नहीं दे, डिवाइडेड सेंस दे, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस दे यानी डिवाइड हुआ सेंस दे, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आप लोग को भी पता होगा कि इसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई किताब उठाइएगा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कि जब हमारा ये चीज़ दिया रहेगा तो इसके साथ अगर यूनिट सेंस देगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ये इतना चीज़ दिया रहेगा अगर यूनिट सेंस ना देकर के डिवाइडेड सेंस दिया होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 2000 रुपीज़ इज या आर सेव्ड, यानी 2000 रुपया जो है इसको क्या कर रहा है, सेव्ड कर रहा है। सेव कर रहा है मतलब इकाई इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा यहाँ पर प्रयोग होगा क्या, इज आर का तो प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे दिया है कि 2000 रुपीज़ इज या आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी 2000 रुपया को क्या क्या कर रहा है, बांट रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, आर का, इज का तो प्रयोग नहीं करेंगे। अगला देखिए लिखा हुआ कि 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ या हैव कंप्लेंट, ठीक है, तो यहाँ कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है और इससे पहले ये एक नाउन होता है, इधर भी एक नाउन होता है, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ये पुडल है तो क्या पुडल है ना लेगा जी, तो ये हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा होगा 2 लाख ऑफ बुक्स, ठीक है, तो इस चीज को जो है देखिए जब आपको यूनिट डिजिट लिया रहेगा तो यहां पे यूनिट प्लस ऑफ फिर आपका यूनिट, तो ये भी पुडल होना चाहिए और ये भी पुडल होना चाहिए। और जब दो गो चीज पुडल होता है, जब दो गो चीज पुडल होता है तो ये अपने लिए क्या लेगा, पुडल है ना, हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ बताने की प्रयास करें, 2 लाख ऑफ बुक्स, तो यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ लाख से लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ लाख और यहाँ ऑफ लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी थोड़ा सा इसको फोकस बनाइए, इस क्वेश्चन को आंसर बताइए क्या होगा इसका जवाब। चलिए हम देखते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं आप लोग को जवाब का। चलिए हमारा प्रयास होगा कि आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे। देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो अभी हम तो बताएं कि जब यूनिट डिजिट रहेगा ऑफ प्लस यूनिट डिजिट और ये यूनिट दोनों प्लूरल होगा तो प्लूरल प्लूरल मिलकर के क्या बनाता है, प्लूरल बनाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लाख्स ऑफ बुक, यानी लाख्स ऑफ ऐसे बुक्स भी बोल सकते हैं या
टू लक्स जब बोलेंगे तो ये एस और एफ क्या होगा, हट जाएगा, और इसके लिए जो प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग या ईच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये भी प्लूरल होगा और ये भी प्लूरल होगा, और जब ये ऑफ से जुटेगा तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, प्लूरल बनाएगा, तो ये मतलब आर होगा, ईच का प्रयोग नहीं होगा। देखिए आगे जो है ये क्वेश्चन भी देखते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे, लक्स ऑफ बुक्स इज या आर सोल्ड, इसको भी आप लोग बनाने की प्रयास कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए अभी हम तो बताएं कि जब दो यूनिट डिजिट की बात हो और प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़ा हो और इधर भी प्लूरल हो इधर भी प्लूरल हो तो दोनों प्लूरल मिल करके भी क्या बनाता है, प्लूरल बनाएगा, कभी सिंगुलर नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे लक्स ऑफ बुक्स तो ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, और जब दो को प्लूरल मिलेगा तो यहाँ आर होगा, एज का तो प्रयोग नहीं करेंगे। अगला दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि द मैन्युफैक्चर, तो यहाँ देखिए इसमें ये एस नहीं लगेगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ एस लगेगा और यहाँ पे हैड और बाकी का सब सेंटेंस सही है। अगर लिखा हुआ कि 10% ऑफ द बुक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग को यहाँ से आया है, इसको हम लास्ट में समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझाने लायक है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग को ये क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि इसमें यहाँ हैंडफुल होगा कि हैंड्सफुल होगा कि हैंडफुल्स होगा, चलिए आप लोग बताइएगा। तो जब भी हम लोग को, जब ये आपको हैंडफुल तो नहीं होगा, हैंड्सफुल तो कदापि नहीं होगा, हैंड्सफुल तो जब दो गो नाउन एंड के जाल जुड़ता है तो ये एक यूनिट होता है और एक ये यूनिट होता है, ये यूनिट होता है और ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तो इनके साथ क्या करता है, जुड़ता है, तो ये भी प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल होता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर लेते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग क्या होगा, हैंड्सफुल, हैंडफुल्स ऑफ शोल्डर्स, वर का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा, वज का प्रयोग नहीं होगा, किल्ड, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ये प्रोनाउन में भी, नाउन में भी और सिंटेक्स में भी पूछा जाता है, उन चीज को यहाँ पे हम समझने की प्रयास करते हैं, आप लोग देखते चलिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ, फ्रैक्शन ऑफ जब भी रहेगा, जब भी आपको फ्रैक्शन ऑफ दे दिया, फ्रैक्शन ऑफ का मतलब कि इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसमें बताया हम फ्रैक्शन के बारे में। देखिए यहाँ फ्रैक्शन ऑफ के बाद यहाँ पे अगर मतलब कुछ समथिंग, कोई मान लीजिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन दे दिया, प्लूरल नाउन दे दिया, अनकंटेबल नाउन दे दिया, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ इस पोजीशन पे अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल कंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, अनकंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसी तरह नंबर ऑफ, नंबर परसेंट ऑफ अगर दे देगा, नंबर परसेंट ऑफ देगा, उसके बाद ऐसे डैश रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर इसमें भी अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल कंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और अनकंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, हम ये दो क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में है, थोड़ा सा बनाने की प्रयास करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। देखिए लिखा हुआ कि 1/10 ऑफ द बुक्स, 1/10 ऑफ द बुक्स, आप लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़े होंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10 ऑफ बुक्स, तो 1/10, अब बुक्स की संख्या मान लेते हैं कि 50 है, कितना है 1/10 ऑफ बुक्स, उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं बुक की संख्या 50 है या समथिंग कुछ भी मान लेते हैं, चलिए इसको हम मान के बनाते हैं, जो भी मानिए इसको मान के बनाइए, चलिए इसको बनाने की प्रयास कीजिए आप लोग। 1/10 ऑफ बुक्स, इसको आप लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ बुकों की संख्या हमारा कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, 50 मान लेते हैं या 500 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, बुक्स मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो एक से अधिक जरूर होगा, तो होगा तो मान लेते हैं कुछ भी हो, तो 1/10 मतलब कि 1/10 का मतलब क्या, 1/10, अभी तो आप लोग को फ्रैक्शन चीज वाला बताए थे, तो 1/10 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना, ये जो गुना का ये ऑफ है, ठीक है, और 1/10 मतलब ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये 1/10 हो गया, ये ऑफ का मतलब गुना, और ये बुक्स की संख्या हम मान
माने है कितना 500, माने है 500, मान लीजिए आप संयोग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, लेकिन प्लुरल में है, तो इसको काटते हैं तो ये 50, या 50 जो ये संख्या होता है ये क्या सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है, ये प्लुरल होगा। तो 1/10 ऑफ बुक्स, तो बुक्सों की संख्या जब अधिक है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे आर का प्रयोग, एज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, सॉरी कि स्क्रीन बोल रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया है बोर्ड पे, इसको बनाने की प्रयास करते हैं। दिया हुआ है 1/10 ऑफ द वर्ड इज या आर पेंडिंग, तो देखिए 1/10 ऑफ द वर्ड बोलेगा ना, तो वर्ड को तो कभी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो जब काउंटिंग नहीं होगा तो ये 1/10 तो होगा, 1/10 अगुण वर्ड को क्वेश्चन मार्क में रखिए, तो जब वर्ड की संख्या कुछ नहीं बताया गया है तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, 1/10 का मतलब कि इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लुरल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए यहां अब देखते हैं क्वेश्चन को लिखा हुआ कि द परसेंट ऑफ बुक से, इसको आप लोग बनाने के प्रयास कीजिए, द परसेंट ऑफ बुक, चलिए इसको बनाने के प्रयास करते हैं हम लोग, क्या होगा द परसेंट ऑफ बुक्स। देखिए जैसे द परसेंट ऑफ बुक मान लेते हैं कि 10/100 गुने 500 कर लेते हैं, तो ये आपका 5 यानी कि 10/50, ठीक है, तो ये भी तो वही आ गया, तो द परसेंट ऑफ बुक्स, बुक्स के लिए अब 50 आया, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही क्वेश्चन में दे देगा कि द परसेंट ऑफ वर्क, द परसेंट ऑफ वर्क, द परसेंट ऑफ मतलब मान लेते हैं 10/100 गुने वर्क की, क्या वर्क का कोई संख्या होता है, नहीं होता है, तो क्वेश्चन मार्क, तो जब वर्क की संख्या होता है तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इसके लिए सिंगुलर इज का प्रयोग होगा और आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे पूरा कंसेप्ट वाइज समझे, देखिए ऐसे हम बता रहे हैं कि आप मतलब एकदम कुछ नहीं भी जानते होंगे तो 100% यहाँ से सीख लीजिएगा, ये गारंटी है हमारा, ठीक है। तो इस चैनल पे आप नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब करने में कोई आपको पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, और यहाँ हम जो भी वीडियो बनाए इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कीजिए, और कोशिश कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे वीडियो के माध्यम से आपके दोस्त भी तैयारी करें। और यहाँ हम लोग को देखिए ये अभी हम लोग का जो है आप लोग को नाउन का कुछ समय इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो पूरा नाउन कंप्लीट करेंगे, हर एक मतलब ग्रामर के पार्ट वाइज पार्ट हम यहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।